हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर 2023 और आज की 10 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही पहले अपडेट, रोहतांग में बर्फबारी, पामटा शिलाई NH 5 घंटे बंद, तापमान में आई गिरावट, बालतखंड में बड़ा पानी, पुल पर रोकी आवाजाही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 सितंबर तक प्रदेश में कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का है पूर्वानुमान। मटर की फसल पर सड़न रोग का खतरा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 70 दिन बाद कालका से सोलन तक दौड़ेंगी 2 ट्रेनें, 20 सितंबर से संचालन को हरी झंडी, 2 ट्रेनों की समय सारणी कुछ इस प्रकार से है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, सूबे में आज से 5 से 10 तक 10 रुपये तक महंगा हो सकता है सीमेंट। टैक्स बढ़ाने के बाद अल्ट्राटेक अंबुजा ACC कंपनी लेगी फैसला। 3.50 रुपये यानी कि 3.5 रुपये टैक्स सरकार की ओर से बढ़ाया है 50 किलो के बैग पर। नेक्स्ट अपडेट ये रही, केंद्र कुछ दे या ना दे, 26 को राहत पैकेज की घोषणा करेगी प्रदेश सरकार सुखू। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही मुख्यमंत्री ने सदन में किया बड़ा ऐलान, अपात्रों को राहत देने के आरोपों की होगी जाँच। 800 करोड़ की बात कर ठगना चाहते हैं हमें, तो ये यहाँ पे अपडेट है। सदन में हंगामे के बीच विपक्ष का वॉकआउट। नेक्स्ट अपडेट ये रही, आदित्य ने शुरू किया काम, अंतरिक्ष से भेजा कणों का डाटा। धरती से 50,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष और यहाँ के हालात समझने में वैज्ञानिकों को मिलेगी मदद। 600 एंटी टैंक माइन सेना में शामिल। DRDO ने बनाया विभव, दुश्मन के किसी भी बख्तरबंद वाहन को कर सकते हैं तबाह। नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोरोना काल में स्थापित PSA प्लांट 30 को होंगे बंद, 32 कर्मचारी हो जाएंगे बेरोजगार। आउटसोर्स आधार पर की है तैनाती, 2 बार मिल चुका है सेवा विस्तार। मरीजों को सिलेंडर से देनी पड़ेगी ऑक्सीजन। नेक्स्ट अपडेट ये रही, शिमला नालागढ़ NH 18 घंटे रहा बंद, सड़क पर खराब होने से नालागढ़ के 13 सरकारी और 5 निजी बस रूट ठप, शाम को बहाल। नेक्स्ट अपडेट ये रही, डिपो से दालें गायब, नहीं पहुंची 22,000 क्विंटल खेप। प्रदेश भर में उपभोक्ता 2 महीने से झेल रही समस्या, 54,000 क्विंटल में से 32,000 क्विंटल दालों की ही हुई आपूर्ति। नेक्स्ट अपडेट ये रही, गैर शिक्षक वर्ग के 84 पदों की परीक्षाएं कल से। NIT हमीरपुर पहली बार NTA के माध्यम से करवाएगा छंटनी परीक्षा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, मंडी विश्वविद्यालय के BCOM प्रथम वर्ष के परिणाम में 84.17% परीक्षार्थी फेल। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मात्र 15% ही पास, मंडी कॉलेज की छात्रा कशिश प्रथम। DELED पार्ट 1 का 73.4, पार्ट 2 का 65.9% रहा परिणाम, तो DELED का भी यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। इसके अलावा बात करें तो निजी शिक्षण संस्थान समझौता के लिए 31 अक्टूबर तक करें आवेदन। तो ऐसी दोस्तों आज की अपडेट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।